नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज 22 दिसंबर। कल के सेशन की बात करें तो कल का सेशन फिर से गिरावट भरा रहा। हमने देखा कॉटन के प्राइजेस में 2.5% की गिरावट, कपास के प्राइजेस में 2.5% की गिरावट और 3.5% की गिरावट हमने कॉटन सीड ऑयल केक में आते हुए देखा। जिस ढंग से नया वेरियंट कोविड का हिट हुआ है, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमांड पे फिर से एक हैम्पर कर सकता है, जिसके चलते हमने इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन को गिरते हुए देखा। नो डाउट आज 75 सेंट पे संभलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, बट ये कहीं ना कहीं एक कंसर्न है, क्योंकि जिस ढंग से एक्सपोर्ट डिमांड यूरोप से कम होगी बिकॉज ऑफ अगेन जो लॉकडाउन अनाउंस हुआ है, ये कहीं ना कहीं डिमांड पे इम्पैक्ट करते हुए दिखाई देगी। नो डाउट हमने जो प्रोडक्शन फिगर्स देखे हैं वो प्राइजेस में कहीं ना कहीं सपोर्ट रहेगा, तो डाउन साइड कोई इतना बड़ा नहीं है ओनली, क्योंकि एक तरफ वैक्सीन आ रहे हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कोविड का कंसर्न भी बढ़ रहा है, तो मार्केट इसी ढंग से वॉलेटाइल होते हुए चलता रहेगा। सबसे पहले अगर कॉटन की बात करें तो साइकोलॉजिकल लेवल 20,000 का बिल्कुल मेंटेन है। आप देख के चलिए पूरे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट में गिरावट आती है, बट नया हाई मारने के लिए प्राइजेस ज्यादा उतारू है। इस बार हमने 20,500 का लेवल तोड़ा, फिर पुल बैक देखा। अब इस बार का अगर ये पुल बैक होता है 20,200 के ऊपर प्राइस आज अगर सस्टेन कर जाता है तो 20,850 तक का भी लेवल दिखा देगा अगले दो सेशन में। कपास में भी 1200 के ऊपर काउंटर काफी स्ट्रांग हो जाएगा, जो 1220-1240 तक का फिर से लेवल दिखा देगा। कॉटन सीड ऑयल केक में वॉलेटिलिटी बढ़ गई है, उम्मीद भी थी ऐसी वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, बट ये उम्मीद नहीं थी कि प्राइजेस में गिरावट आएगी। हमारा एक्सपेक्टेशन था कि प्राइजेस 1980 से लेकर 2100 के बीच में ट्रेड करेगा, बट कल हमने 3.5% की गिरावट के साथ 1980 के नीचे क्लोज होता हुआ देखा है। आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। आज अगर प्राइजेस फिर से रिकवर करके 1980 के ऊपर आ जाते हैं तो चार्ट के लिए स्ट्रांग हो जाएगा। लोअर लेवल पर डिमांड भी इंप्रूव हुई है, बट फिर से जैसे महाराष्ट्र में आज से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ में हमने देखा कि गुजरात, राजस्थान यहाँ पे भी कर्फ्यू नाइट में लगे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक कंसर्न भी देता है, बट ओवरऑल हमें लगता है लोअर लेवल्स पे डिमांड कंटिन्यू रहेगी। इंटरनेशनल में भी हमने देखा कि प्राइजेस 75 सेंट के ऊपर आ चुका है, तो उसका भी एक इफेक्ट आज हम पॉजिटिव टोन में आते हुए देखेंगे। चार्टिकली अगर बात करें तो कॉटन 200 डे मूविंग एवरेज और चैनल के लोअर लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। 20,000 का लेवल होल्ड होने पे या 20,100 का लेवल रिकवर करने पे हम फिर से एक उछाल देख पाएंगे, जो 20,350 से लेकर 20,500 तक का लेवल या एक्सटेंड होकर 20,850 तक कॉटन में जा सकता है। तो जब तक प्राइजेस 20,000 के ऊपर होल्ड है या लेट से 19,800 जो पिछला लो था 7 दिसंबर का होल्ड है, तब तक मार्केट तेजी में ही रहेगा। कॉटन सीड ऑयल केक में गिरावट बढ़ी है। आप देखेंगे ऊपर वाले जो चैनल्स है यहाँ से मार्केट में गिरावट थी और ये ब्रेकआउट हुआ था, जो प्राइजेस जाकर 200 डे मूविंग एवरेज पे जाके रुका है। तो आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर प्राइजेस फिर से 1980-90 का लेवल रिगेन कर लेता है तो हम फिर से उछाल ले पाएंगे, जो अगला पड़ाव रहेगा 2040 का, और 2040 से 2080 का फिर से हम एक रेंज अटैक होते हुए देखेंगे, बट ओवरऑल आज का ट्रेंड कॉटन कॉम्प्लेक्स के लिए पॉजिटिव रहेगा। साथ में हम जल्द लेके आ रहे हैं कॉटन के ऊपर कॉटन कॉम्प्लेक्स का एक वेबिनार, जिसके अंदर हम कॉटन, कपास और कॉटन सीड ऑयल केक पूरी तरीके से टेक्निकल और फंडामेंटली कवर करेंगे। अगर आप इस वेबिनार में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नीचे दिए गए लिंक पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। धन्यवाद।